तो इस प्रकार हमने ये देखा कि मैथिली शरण गुप्त ने नारी भावना के रूप में ये इन चरित्र को स्पष्ट किया। अब हम यशोधरा के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार गुप्त जी ने नारी भावना के प्रति अपने आदर्श विचार रखे हैं। यशोधरा खंड काव्य की नायिका यशोधरा के उज्जवल जीवन चरित्र के सुंदर चित्रण इसमें रूप में देखने को मिलता है। यशोधरा एक आदर्श भारतीय नारी है। उसमें नारी कोमलता और सम्मान, पतिप्रायणता, कर्तव्य निर्वाह का की अद्भुत क्षमता है। यशोधरा के साधन व्यक्तित्व में यशोधरा के साधारण व्यक्तित्व में साधारण व्यक्तित्व में गौरवमयी तथा असाधारण गौरवमयी तथा असाधारण व्यक्तित्व के दर्शन कवि ने किए हैं। यशोधरा पात्र काव्य की नायिका, यशोधरा काव्य की नायिका, यशोधरा के जीवन चरित्र के बारे में कहा जा सकता है कि उसका चरित्र दूध की उज्ज्वलता से भी अधिक उज्ज्वल है, हम ये कह सकते हैं। चरित्र चित्रण की विशेषता को निम्न रूप से परख सकते हैं। यानी यशोधरा का जो चरित्र है वो हम किस रूप में देख सकते हैं। ये कवि यशोधरा की जीवन चरित्र की ही हमारे बारे में पूछा है कि यशोधरा ने किस तरह से यशोधरा काव्य में यशोधरा के जीवन चरित्र को उल्लेखित किया है। तो वही जीवन चरित्र अब हम पंक्तिबद्ध तरीके से एक एक करके उनके जीवन चरित्र का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहला जो जीवन चरित्र आता है वो यशोधरा का, वो आता है कर्तव्य का निर्वाह करने वाली आदर्श भारतीय नारी, यानी कर्तव्य का निर्वाह करने वाली आदर्श भारतीय नारी, गुप्त जी ने यशोधरा पात्र
में यानी गुप्त जी ने यशोधरा पात्र में कर्तव्य निर्वाह करने की अद्भुत क्षमता का उल्लेख किया है अद्भुत क्षमता का उल्लेख किया है यशोधरा विलासिनी यशोधरा वियोगिनी वियोगिनी जाया भी है यानी माँ भी है जाया भी है उसका पुत्र राहुल जिसके सहारे वह अपना जीवन बिता रही है यानी वह वियोगिनी जाया भी जाया का मतलब होता है जन्म देने वाली पुत्र की माँ भी है हम ये कह सकते हैं और उसका पुत्र राहुल जिसके सहारे वह अपना जीवन बिता रही है और मिला तो अकेली रोकर रोकर रो रोकर अकेली और मिला तो रो रो अकेली रो 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 कर अपना समय व्यतीत यानी समय बिता लेती है उसे वह मूर्छा भी हो जाती है यानी मूर्छित हो जाती है किंतु यशोधरा ऐसा नहीं कर सकती यशोधरा ऐसा नहीं कर सकती उसे रोने धोने का कोई अधिकार नहीं यानी वह रो धो भी नहीं सकती ये भी उसको अधिकार नहीं है वह सदैव पति की थाती थाती के रूप में वह सदैव पति की थाती के रूप में राहुल का ध्यान रखती है उसकी पीड़ा की
छाया पुत्र पर न पड़े, ये भी ध्यान रखती है, ये भी ध्यान रखती है। यानी हम कह सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी उस विरह वेदना को व्यक्त करती है। गुप्त जी ने यशोदा पात्र में कर्तव्य निर्वाह करने की अद्भुत क्षमता का उल्लेख किया है। यशोदा वियोगिनी जया भी है, उसका पुत्र राहुल जिसके सहारे वह अपना जीवन बिता रही है, और मिला तो अकेली रो रोकर अपना समय व्यतीत बिता लेती है, वह मूर्छा भी हो जाती है, किंतु यशोदा को ऐसा कर नहीं कर सकती। उसे रोने धोने का कोई अधिकार नहीं है, वह सदैव पति की ख्याति के रूप में पुत्र राहुल का ध्यान रखती है। उसकी पीड़ा की छाया अपने पुत्र पर न पड़े, ये भी ध्यान रखती है। इसलिए ये भी ध्यान रखती है कि भाई उसकी पीड़ा का प्रभाव उसके पुत्र पर न पड़े, नहीं तो वो भी दुखी होगा। तो इस बारे में वह अपने उस कर्तव्य का निर्वाह अच्छी तरह से करती है। वह पीड़ा का भी ध्यान रखती है कि उसकी पीड़ा की छाया उस पर न पड़े। इस प्रकार यशोधरा विरह में दुखी होकर भी सब कष्टों को सहन करते हुए अपने कर्तव्यों का पूर्ण पालन करती है। अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन करती है। यशोधरा यशोधरा को जो दायित्व यशोधरा को जब दायित्व गौतम सौंप कर गए हैं वह उन्हें पूर्ण निष्ठा के साथ में दायित्व जो गौतम बुद्ध सौंप कर गए हैं उन्हें पूर्ण निष्ठा के साथ में निर्वाहित करेगी। तो इस तरह से यह है यशोधरा के लिए। अब हम एक उदाहरण देखते हैं इसमें कि किस रूप में यशोधरा की वह कवि ने उल्लेख किया है। यशोधरा में जो चरित्र चित्रण है उसमें नंबर एक यानी उदाहरण है स्वामी मुझको मरने का भी न दे
में दिए गए अधिकार अधिकार स्वामी मुझको मरने का भी न दे गए अधिकार छोड़ गए मुझ पर अपने राहुल का सब भार। तो ये भी इसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से अपनी गृह वेदना में भर करके यशोधरा कहती कि स्वामी मुझको मरने का भी अधिकार न दे गए, छोड़ गए मुझे, मुझ पर मुझे छोड़ गए मुझ पर अपने राहुल का भार, यानी मेरे ऊपर वो राहुल का दायित्व सौंप कर गए हैं, तो उस दायित्व को, उस कर्तव्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। इस प्रकार यशोधरा अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ में निर्वाहित करती है, यानी कर्तव्य को थाती के रूप में, थाती के रूप में उसकी रक्षा करती है। हम ये कह सकते इस प्रकार यशोधरा अपने कर्तव्य को थाती के रूप में उसकी रक्षा करती है, यानी अपने पुत्र, अपना जो पुत्र है राहुल, उस राहुल को थाती यानी धरोहर जो सौंप कर गए हैं, उसी धरोहर को सदैव वो बनाए रखे। इसके लिए इसमें ये बताया गया था कि कर्तव्य निर्वाह में यशोधरा किस तरह से सफल रही है, इसका उल्लेख हमने इन पद्यांशों में पढ़ा। अब हमारा है पति प्रायण नारी, यानी कि अब दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा स्वाभिमानी नारी के रूप में। एक स्वाभिमानी नारी, स्वाभिमानी का मतलब होता है जो अपने जीवन पर किसी प्रकार का कोई दाग न लगने दे, किसी कोई ऐसा कोई अनिष्ट कार्य न हो जो उसके चरित्र को कलंकित करता हो, इसलिए वो सदैव इस बात का ध्यान रखती है यशोधरा, और इसलिए वह एक स्वाभिमानी नारी के रूप में भी कवि ने यहाँ उल्लेखित किया है। उसका स्वाभिमान दूसरा है स्वाभिमानी नारी की रूप में के रूप में। पहला हमने पढ़ा कर्तव्य प्राण एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में, दूसरी विशेषता है एक स्वाभिमानी नारी के रूप में। गुप्त जी ने यशोधरा के चरित्र में गुप्त जी ने यशोधरा के चरित्र में स्वाभिमानी नारी के आदर्श गुणों का समावेश किया है। यशोधरा
स्वाभिमानी है यशोद्रा स्वाभिमानी है, गौतम बुद्ध की भांति, गौतम बुद्ध की भांति वह भी कठोर साधना करती है, वह भी कठोर साधना करती है। यशोदरा स्वाभिमानी है, गौतम बुद्ध की भांति वह भी कठोर साधना करती है। गौतम की त्याग ने उसे कमजोर बना दिया है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए गौतम बिना कुछ कहे यशोधरा और राहुल को यशोधरा और राहुल को सोते छोड़कर संसार के कल्याण मार्ग पर चले गए, किंतु यशोधरा स्वाभिमानी नारी है, वह किंतु यशोधरा स्वाभिमानी नारी है किंतु यशोदा स्वाभिमानी नारी वह उनके आगमन पर खुशी खुशी स्वागत नहीं कर सकती। उनके आगमन पर वह खुशी खुशी स्वागत नहीं कर सकती। वह अपने स्वाभिमान को मान को खंडित या स्वाभिमान को भंग नहीं होने देती, भंग नहीं होने देती है। सारा नगर गौतम के स्वागत के लिए
चाह रहा है, किंतु यशोधरा अपने स्वाभिमान को, अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ सकती, वह कहती है, कि जिसने त्यागा उसे ही आना होगा। किंतु यशोधरा अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ती है, वह कहती है कि जिसने त्यागा उसे ही आना होगा। तो इसलिए ये उसने जिसने त्यागा उसे ही आना होगा, इस प्रकार वो अपने स्वाभिमान को नहीं त्यागती। पूरा नगर गौतम बुद्ध के स्वागत के लिए जा रहा है, स्वागत कर रहा है, लेकिन यशोधरा किस मुख से स्वागत करे, क्योंकि यशोधरा को तो ऐसा ही स्थिति में छोड़ करके चले गए थे। तो इस तरह से एक नारी भावना या स्वाभिमानी नारी के रूप में भी हम उसके जीवन चरित्र को देख सकते हैं। उदाहरण है लिखिए, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात है, यह गौरव की बात है। पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात है। यानी यह सबसे बड़े दुख की बात है, इस संसार के कल्याण के लिए वो यशोधरा का त्याग करके गए हैं, तो ये बड़े गौरव की बात है, ये हर्ष की बात है, किंतु चोरी चोरी गए, बिना कुछ बोले गए। अर्थात उसने कमजोर समझा गौतम बुद्ध ने किसको, यशोधरा को, उसने उसकी भावनाएं की कद्र नहीं की, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यशोधरा के इस चरित्र में स्पष्ट रूप से ये जो पीड़ा है वो छलकती है। तो यही व्याघात है इस पद में, यशोधरा गौतम पर गर्व प्रकट करती है किंतु उसे अबला समझा, ये उसकी पीड़ा, किंतु उसे अबला समझा, यह उसके लिए पीड़ा की बात है, यशोधरा गौतम पर गौरव प्रकट करती है किंतु उसे अबला समझा, ये उसके लिए पीड़ा की बात है। वह स्वाभिमानी एक आदर्श भारतीय नारी है, यह हमने
ये यहाँ तक देखा कि किस तरह से यशोधरा अपनी पीड़ाओं से भर जाती है, स्वाभिमानी नारी के रूप में कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है और ये सभी उसके स्वाभिमानी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। अब आता है जो हमारा तीसरा पॉइंट है, यशोधरा के चरित्र में पतिप्रायण, पतिप्रायण नारी के रूप में यानी अपने पति को ही सब कुछ मानने वाली, पति के प्रत्येक आज्ञा के पालन करने वाली एक भारतीय आदर्श नारी के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यशोधरा के चरित्र में पतिप्रायण नारी के रूप में। तीसरा हमारा है पति प्रायण नारी के रूप में। पति प्रायण नारी के रूप में किस तरह से वह अपने पति को अपना आदर्श मानती है, अपने जीवन का आधार मानती है, यशोधरा काव्य की नायिका, यशोधरा काव्य की नायिका, नायिका एक पति परायण, यशोधरा काव्य की नायिका एक पति परायण नारी है, एक पति प्रायण नारी है। अपने पति परायण व्रत का पालन करती है, अपने पति प्रायण पालन करती है, अपने पति को आदर्श मानकर, अपने पति को आदर्श मानकर वह उनके लिए तो वह यशोधरा काव्य की एक नायिका पति प्राण नारी के रूप में है, अपने पति कर्तव्य का वह पालन करती है, आदर्श उन्हें आदर्श मानकर उनके लिए सदैव मंगल की कामना करती है, पति को ईश्वर के समान मानकर उनकी चीर पुजारी बनकर सेवा करना चाहती है, पूजा करना चाहती है। वह उसका जीवन गौतम के प्रति, गौतम बुद्ध के प्रति प्रति समर्पित है, गौतम बुद्ध के प्रति उसका जीवन गौतम बुद्ध के प्रति समर्पित है। प्रतीक्षा ही जीवन बन गया है, जीवन बन गया है। वह भारतीय नारी है जो अपनी पीड़ा और कुंठा को किसी के सामने प्रकट नहीं करती है उसके सामने प्रकट नहीं करती है
भारतीय नारी है जो अपनी पीड़ा और कुंठा को किसी के सामने प्रकट नहीं करती है, वह सभी दुखों को आसानी से मुकाबला करती है, किंतु वह निराश नहीं होती है। गौतम की सिद्धि प्राप्ति में सहायक बनना चाहती है। उसे अपने पति पर गौरव है। उसे अपने पति पर गौरव है। पति प्रायण के रूप में यह सब कुछ है। वह कुंठा को झेलती है, पीड़ा को झेलती है, समस्त प्रकार की जितनी भी समस्याएं उनका वो मुकाबला करती है। कवि ने इसके बारे में बताया, गौरव है, सिद्धि प्राप्त करना उसे अपने पति पर गौरव है। भारतीय नारी के समान वह अपने आंसुओं को पीकर भी वह पति धर्म का निष्ठा के साथ में पालन करती है। यानी कि कर्तव्य परायण नारी में जो दायित्व सौंप कर गए हैं गौतम बुद्ध, उसमें वो सफल होती है। इसका उदाहरण देखिए, गौतम बुद्ध यह है, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, फिर भी क्या मैंने मुख्य उन्हीं को जाना, मैंने मुख्य उन्हीं को जाना, मैंने मुख्य उन्हीं को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर चाहती। तो यहां पर एक नारी का जो पति प्रायण रूप है वो प्रकट हुआ है। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना,
मैंने मुख्य उन्हीं को जाना जो वे मन में लाते सखी भी मुझसे कहकर जाते। तो यशोधरा यही कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे उन्होंने अच्छी यानी उन्होंने बहुत सम्मान दिया मेरा, लेकिन फिर भी एक स्त्री हृदय को क्या वो वास्तविक रूप से पहचान पाए हैं? मैंने तो उनको ही सब कुछ जाना, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे ईश्वर है। मैंने तो अपने पति धर्म का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ में किया है, उसमें कभी भी उन्होंने त्रुटि नहीं की। जो वो मन में लाते कम से कम एक जो सहधर्मी का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निर्वाह में वो सहायक बन सकते थे, यानी वो बता सकते थे जो वो मन में आ रही थी बात कि मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, तो भला शुभ कार्य में क्या वो बाधक बनती? जो वो मन में लाते अगर सोचते विचार करते सखी वो मुझसे कहकर जाते, तो हे सखी यदि वो मुझसे कहकर जाते तो इस तरह का जो दुख है मेरे सामने, संकट है, वो नहीं आता, इस तरह की जो विडंबना है उसका सामना नहीं करना पड़ता। तो यह है पति प्रायण नारी के रूप में। अब हम पढ़ेंगे चौथा हमारा पॉइंट है, वह है सौंदर्य के प्रति मूर्ति। सौंदर्य की प्रति मूर्ति, सौंदर्य की प्रति मूर्ति के रूप में चौथा पॉइंट है हमारा, जो चौथा पॉइंट सौंदर्य की प्रति मूर्ति। सौंदर्य की प्रति मूर्ति ये भी उसमें गुण है, क्योंकि गौतम बुद्ध उनके सौंदर्य से ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। यशोधरा के चरित्र में सौंदर्य गुण की वो सौंदर्य गुण को भी देखा जा सकता है, यानी कि गौतम बुद्ध के उस चरित्र में यशोधरा के सौंदर्य गुण को भी देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध यशोधरा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे, यानी यशोधरा की सुंदरता ने उन्हें आकर्षित किया। यशोधरा की सुंदरता की चर्चा संसार भर में होती है। यशोधरा की संसार भर में होती है। उसकी चर्चा संसार भर में होती है। यशोधरा की सुंदरता देखकर ही गौतम ने उसका वरण किया था, यानी चुना था, वरण किया था अपनी अद्भुत शक्ति बल के
आधार पर यशोधरा को अपनी शक्ति बल के आधार पर यशोधरा को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। वे विचार करते थे क्या यशोधरा की सुंदरता अक्षुण्य बनी रहेगी। गौतम को यशोधरा की रूप सौंदर्य पर गर्व था। यशोधरा के रूप सौंदर्य पर गर्व था। किसको ये गर्व था? उन्हें एक तरह से जिस तरह से रूप सौंदर्य का गर्व था, इसका उदाहरण जो उसके रूप सौंदर्य के बारे में बताता है कि यशोधरा किस तरह से क्या रह सकेगी इतनी सुंदर मेरी यशोधरा क्या रह सकेगी इतनी सुंदर मेरी यशोधरा क्या रह सकेगी इतनी सुंदर मेरी यशोधरा क्या मैं कह सकूंगा कि इतनी सुंदर अब भी है मेरी यशोधरा। तो यहां गौतम बुद्ध का है जो उसकी सुंदरता पर सम्मोहित हो गए थे। क्या रह सकेगी इतनी सुंदर मेरी यशोधरा क्या कह सकूंगा कि इतनी सुंदर अब भी है मेरी। समय बीत जाने की प्रचार जब वृद्धावस्था आएगी तो क्या वह यशोधरा उतनी ही सुंदर उतनी ही आकर्षक वह बनी रह सकेगी। ये था उसके सौंदर्य का प्रतिरूप। इस प्रकार यशोधरा रूप गर्व की मलिका है। उसकी सुंदरता सबको सम्मोहित कर लेती है।
की सुंदरता सबको सम्मोहित कर लेती है। तो इस तरह से ये सुंदरता के भावों की अभिव्यक्ति हमने चार पद्यांश अब तक पढ़ ली। अब अगला हमारा जो पांचवा पद्यांश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पांचवें पद्यांश के बारे में यानी कि यशोधरा के चरित्र में सौंदर्य गुण को देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध यशोधरा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे। यशोधरा की सुंदरता की चर्चा संसार भर में होती है। यशोधरा की सुंदरता देख कर ही गौतम बुद्ध ने उसका वर्णन किया था। अपनी अद्भुत शक्ति बल के आधार पर यशोधरा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। वे विचार करते थे कि क्या यशोधरा की सुंदरता अक्षुण्य बनी रहेगी। गौतम बुद्ध को यशोधरा के रूप सौंदर्य पर गर्व था और फिर ये बात उन्होंने अपने विचारों को उल्लेखित किया है। तो इस प्रकार ये चौथा हमारा पॉइंट था और इस प्रकार से अब हमारा अगला पाठ जो पांचवा पॉइंट है वो आदर्श शत्रानी नारी के रूप में, आदर्श शत्रानी नारी के रूप में। आदर्श शत्रानी नारी के रूप में पांचवा पॉइंट है आदर्श शत्रानी नारी के रूप में। ये भी उसकी चरित्रगत विशेषताओं को दर्शाता है। आदर्श शत्रानी नारी के रूप में